मंथ एंड क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल हमने उठाए हैं और उनके ऑनेस्ट और फेयर तरीके से जवाब देने में ही हम बिलीव करते हैं, जो अभी तक वैसे ही करते आए हैं और आज भी वैसे करेंगे। वैसे आपको मुझसे सवाल करना है, ट्विटर के ऊपर हैशटैग #askrohit हम जब पोस्ट करते हैं वहाँ पर आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने कभी कभी ये भी किया है कि यूट्यूब के वीडियोस जैसे ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे भी अगर आप सवाल करेंगे तो यहाँ से भी उठाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा वेसिंग करते हैं आप, बस हर महीने ये वीडियो आता है तो सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए ताकि इसको हम बंद ना करें कम्प्लीटली, सवालों के जवाब आपके देते रहे। ये सेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एकदम रियल होता है, इसमें बड़ा मज़ा आता है। पहला सवाल आ रहा है कुणाल पाटिल की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि भाई आजकल आईफोन्स की प्राइसेस जो वो कम हो रही है, एंड्रॉइड फोन्स ज़्यादा महंगे होते हैं। उन्होंने आईफोन 13 का एग्जांपल दिया, 56,000 पर आजकल मिल जाता है। नथिंग फोन, वन प्लस 11 वगैरह तो अभी भी 40,000 के ऊपर जा रहे, तो ऐसा क्यों है? फिर भी आईफोन की लेवल अलग होती है, एंड्रॉइड कितना नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए अब बात ये कि आईफोन 13 जब आया था तब महंगा था, अब कम हो गया है। और नथिंग और ये जो फोन्स, ये जो वन प्लस 11 वगैरह बोल रहे हैं, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुए थे, तो ये प्राइसेस इनकी थोड़ी आपको ज़्यादा ही मिलेगी। और रही बात एंड्रॉयड वाले फोन्स भी जो होते हैं आजकल, उनमें भी बहुत इनोवेशन होता है, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलती है, ब्रांड भी अच्छी होती है, तो उस हिसाब से प्राइसेस बढ़ती है। वो एक अलग कैटेगरी है। आईफोन्स में आपको बजट फोन्स नहीं मिलेंगे, इसलिए उनके फ्लैगशिप भी कम हो रहे हैं। इनके अंदर कभी कभी बजट फोन्स भी होते हैं, वन प्लस के बजट फोन्स है 20,000 वाले, मोटोरोला के बजट फोन्स मिल जाएंगे, सैमसंग के मिल जाएंगे, तो उनको अपने फ्लैगशिप के फोन्स को घटाने की जरूरत नहीं है। उनको बोले फिर वो बोलेंगे कि हमारे बजट फोन से वो आप वो ले लो। आईफोन वाले क्या करेंगे, उनको तो वही लेना पड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी प्राइस उनको कभी कभी नीचे करनी पड़ती है, एक रीज़न है। एंड्रॉइड में ऑप्शन है, आईफोन्स में ऑप्शन नहीं है, इसीलिए डिफरेंस है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। असलम अंसारी बोलते हैं कि भाई इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, प्लीज़ इस पर ध्यान दो। भाई बात यह है कि ये जो आप बता रहे हो, जो Realme 11 Pro के अंदर मैंने सुना कि सीन निकल कर आया, वो आपके डेटा वगैरह जो यूज़ करता है, एक ऑप्शन वहाँ पर ऑन था ऑलरेडी, बात यह कि ये OnePlus के और Oppo के फ़ोन्स में पहले से ही था। मैं ये सच बोल रहा हूँ, आप अपने OnePlus और Oppo वाले यूज़र से पूछ लीजिए, ये Realme में अभी सामने आई है, ऐसा नहीं है, ये पहले से ही था। अभी पता नहीं क्यों उड़ती इतनी हवा निकली इसकी, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि अभी Realme के सामने हुआ है, और ये गलत है। हम कभी इसका सपोर्ट नहीं करते, हम तो पहले हमने Realme 11 Pro बनाया था तो उसमें खुला बताया था कि भाई ये लोग इतने सारे ऐप्स इंस्टॉल करके दे दिए, इतने एड्स आपको मिलेंगे, तो जो है वो क्लियर आपको बता ही देते। तो ये चीज़ जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स में ऑप्शंस ऑन हुआ है, बाद में Realme ने इसको बंद भी किया रहेगा, कुछ इंटेलिजेंस सर्विस आई थिंक, मेरे को पता नहीं ऐसी कुछ नाम है इसका, ये पहले से OnePlus के भी कुछ फोन्स में, Oppo के भी कुछ फोन्स में, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। नवीन टेक वाला, क्या इंडिया में YouTube की जगह और प्लेटफॉर्म ले सकते हैं या फिर कितने टाइम तक YouTube रहेगा? देखिए YouTube पर तो कुछ बोल नहीं सकते, बीच में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए थे YouTube को कम्पीट करने के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत सारे लोग थे। तो YouTube तो YouTube ही है, उन्होंने एक ऑडियंस बना दी है, लोगों को एक मज़ा दे दिया है, अब तो उन्होंने शॉर्ट्स भी शुरू कर दिए, आजकल शॉर्ट्स भी इतना ज़्यादा चलता है TikTok को गोली मार के, जी हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि YouTube को कोई टक्कर दे सकेगा, और आने वाले बहुत सालों तक शायद YouTube ही राज करेगा। एक हैबिट बन गई लोगों को, कंटेंट वहाँ पर इतने सारे हैं तो लोगों को लगता है कि उधर ही जाना चाहिए, मूवीज़ के लिए हो, व्लॉगिंग के लिए हो, हर चीज़ के लिए। फिर न्यू प्लेटफॉर्म आना, उस पर सारे कॉन्टेंट्स डालना वगैरह, लंबा प्रोसेस हो सकता है, कोई आए फ्यूचर में, बट अभी फिलहाल के लिए YouTube को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। अविनाश सिंह बोलते हैं कि कैन AI टेक्नोलॉजी रूल बाय डिफीटिंग ह्यूमंस इन द फ्यूचर? ऑफकोर्स मे बी नॉट भी हम बोल सकते वैसे तो, क्योंकि डिपेंड करता है। अभी आजकल तो बहुत सारे AI से ही कंपनीज काम कर रही है, कितने एम्प्लॉयज़ को नहीं बुला रही, लेकिन उन AI को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है। ये जो AI है, जो कंप्यूटर है, आखिर भी मशीन है, ह्यूमन का जो दिमाग है वो दिमाग वो अलग ही होता है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट हाँ, AI काम आसान कर देंगी, लेकिन रिप्लेस करना मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी हो सकता है, बट कुछ कंपनीज शायद कर भी दे थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। टिंकू शर्मा बोलते हैं, मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ, अगर मेरी जगह आप होते तो पोको F5 और मोटो H40 दोनों में से कौन सा? देखिए डेफिनेटली मैं मोटोरोला लेता, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हार्ड अर्न मनी होती है, आप दिन भर डिलीवरी करते हो, परेशान रहते हो, उसके अंदर अगर आपके फ़ोन में तकलीफ आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आपका काम रहता है ना, पैसे फिर खर्च अलग होते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा फ़ोन लेना चाहिए जो भले थोड़े बहुत फीचर्स और भी कम मिले लेकिन काम आपका हो जाए, उसमें कोई रुकावट ना हो। तो इन दोनों में से डेफिनेटली मैं मोटोरोला H40 ही चूज़ करूँगा। रुद्राश बोलते हैं, आपका लेजेंडरी डांस कहाँ है, बड़ा मिस करते हैं। देखिए बात सही है, अब कर लेते हैं जब करना होता है, लेकिन पहले हम बहुत करते थे, बहुत मजाक मस्ती करते थे, अब थोड़ा सा काम पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे थे कि आपको कंटेंट अच्छे देखने को मिले, क्वालिटी देखने को मिले, बट हम वैसे ही हैं, हम करने की सोचते हैं, बट क्या ना यहाँ पर बहुत सारी टीम है, इनके सामने ऐसे ऐसे करना अच्छा नहीं लगता ना। हम अकेले में पहले शूट करते थे तो बहुत कांड करते थे, तो हाँ ये भी एक चीज़ है। फिर ये लोग भी सोचते हैं, अरे क्या पागल हो गया, ये कुछ भी करता है यार,
भास्कर जी बोलते हैं कि व्हाट इज योर डेली रूटीन, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, ऑल्सो हाउ डू यू मैनेज योर एंटायर टेक टीम। मेरा डेली रूटीन जो है वो बहुत डिफरेंट है। सुबह मैं उठता हूँ, मैं जल्दी 8 बजे मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं आता हूँ, थोड़ा 1-2 घंटे का नैप लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस से मेरी बेटी को लेने के लिए जाता हूँ स्कूल से, फिर मैं 12 बजे के आसपास अपने स्टूडियो में आता हूँ, शूट स्टार्ट करता हूँ, जो प्लान होता है वो सारा के सारा हम लिख के रखते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनको एक बार जाँच करता हूँ, क्या है करने जैसा है नहीं है, हम हमारे डिसीजन अलग से लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, कुछ कुछ में मज़ा नहीं आता, हम बोलते हमको नहीं करना है। फिर जो टीम होती है हमारी वो आ जाती है अपने टाइम पर, उन लोग का काम शुरू होता है, किसको क्या काम देना है वो ऑलरेडी असाइन करके दिया गया है, सारे वीडियोज़ जो है तो होते हैं, वो फाइनली मैं ही अप्रूवल देता हूँ, मेरे अप्रूवल के बिना वो आगे जाता नहीं है, लाइव नहीं होता है। हर जगह पर मैं ध्यान देता हूँ, अपने इंस्टाग्राम ट्विटर को सब मैं मैनेज करता हूँ, तो पूरा काम यही रहता है। ऑफिस में ज़्यादा टाइम ऐसे में स्पेंड नहीं करता हूँ, अब तो ये सारे लोग कर ही लेते, टीम एफर्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बट कभी कभार मुझे खुद ध्यान देना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसके लिए तो हम ज़रूर रहते हैं। बाकी पहले जो करता था पूरा पूरा दिन, वैसे अब काम थोड़ा सा कम हो गया है। मिस्कोरियम व्लॉग्स, क्या नाम है भाई आपका, मतलब इनके चैनल का। एनीवेज, व्हाट इज़ द बेस्ट फोन अंडर 30,000 to 35,000? प्रायोरिटी जो है उनका स्नैपड्रैगन 5G चिपसेट होनी चाहिए, कैमरा और बैटरी। 30,000 से 35,000 के बीच में स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन्स आपको इधर स्नैपड्रैगन 870 888, जैसे कि आईको नियो 7 है, आईको 9SE है, सैमसंग का अगर फ़ोन लेना है तो आई थिंक S20 फाइनल एडिशन स्नैपड्रैगन 865 है, उसमें कैमरा भी बहुत अच्छा है, बैटरी भी अच्छी, तो डेफिनेटली अगर आपकी प्रायोरिटी है, मुझे लगता है कि सैमसंग S20 फाइनल एडिशन थोड़ा पुराना है बट फ़ोन अच्छा है। अभिजीत बोलते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट इन कैमरा एंड बैटरी, रियलमी 11 प्रो प्लस, सैमसंग F54 और वीवो V27। मेरे हिसाब से अगर बैटरी की बात किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर सैमसंग और वीवो की मैं बात करूँगा, क्योंकि उनमें थोड़ा सा एड्स ब्लोट प्रेस चक्कर कम होते हैं, रियलमी में ज़्यादा है, तो वो बहुत प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको, और कैमरा डेफिनेटली सैमसंग का और वीवो का अच्छा है, रियलमी से बेटर है, तो इधर आप सैमसंग F54 या वीवो में से कोई भी एक फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। और इनका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा क्या, लेकिन एनीवेज उन्होंने पूछा कि रियलमी GT Neo 5 कब आएगा, RGB वाला, जो बैक में RGB है ना वो, और 240 वाट फास्ट चार्जिंग वाला। तो मैं MWC में इसका हैंड्स ऑन कर दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं बोलो इंडिया में लाएंगे भी कि नहीं लाएंगे, अभी तो दूर दूर तक रियलमी के GT Neo 5 की कोई खबर नहीं है। योगेश जी बोलते हैं कि मुझे आईको नियो 7 और आईको नियो 6 में कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों में से कौन सा, देखिए प्राइसेस में डिफरेंस है और चिपसेट में, नियो 6 में स्नैपड्रैगन 870 है, नियो 7 में डायमंडसिटी 8200 है, दोनों में फ़ोन में अपने अपने फीचर्स अच्छे हैं, बट थोड़े पैसे कम आपको और यूज़ करना है, थोड़ा चिपसेट स्नैपड्रैगन वगैरह चाहिए, स्नैपड्रैगन 870 काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली आईको नियो 6 आप प्रेफर कर सकते हैं। वामशी किशन बोलते हैं कि वाई ब्रांड्स आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्लूटूथ स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, आई डोंट नो वाई, करना भी चाहिए उनको ये चीज़, आजकल डिमांड भी है, लोग यूज़ करते हैं आजकल, तो गाने वाने सुनते हैं, गेमिंग के लिए भी बहुत काम आता है, और वीडियो वगैरह नेटफ्लिक्स सीरीज वगैरह टीवी में देखना, तो डेफिनेटली ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह और हेडफोन्स वगैरह उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट आने बट ब्रांड ऐसा क्यों कर रही है, बट कुछ ऑडियो प्रोडक्ट्स कंपनीज है जैसे कि JBL और भी बहुत सारे, वो लोग कर लेते हैं, आप उनके प्रीफर कर सकते हैं। और 2 मेगापिक्सल कैमरे का खेल कब तक कंपनीज करेंगी, जब तक लोग ये वाला मीम देखिए, साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। हर्ष ने बोला है कि से अबाउट मोटोरोला एंड इन्फिनिक्स, देखिए दोनों ब्रांड अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, और एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहूँगा दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, मोटोरोला भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन्फिनिक्स भी अच्छा कर रहा है। इन्फिनिक्स एक ऐसी ब्रांड है जो लोगों को कम प्राइस में बहुत सारी चीज़ें देती है, देखिए कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं वो तो हर ब्रांड्स में होता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ लोगों को वहाँ मज़ा आ जाता है, तो वो इन्फिनिक्स कर लेता है आजकल। मोटोरोला एक टाइम पर मोटोरोला नामो निशान मिट गया था, लेकिन धीरे धीरे जो उन्होंने पेस लिया है, डेफिनेटली मोटोरोला आज जो काम कर रहा है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। मोहम्मद जकी बोलते हैं कि रोहित भाई ये जो कल के स्मार्टफोन्स में जो 108 200 मेगापिक्सल ब्रांड दे रही है, उन्होंने सोनी के साइबर शॉट्स के 7.2 मेगापिक्सल से कंपेयर किया, और वो उन्होंने फिर एक और फ़ोन से कंपेयर किया, तो वो साइबर शॉट वाला जो सोनी वाला कैमरा था वो ज़्यादा अच्छा निकल कर आया, ज़्यादा ट्रू था, वो ये वाले नहीं होते इतने। देखिए वो डेफिनेटली कैमरा जो है वो उनका पूरा प्रायोरिटी ही वही है कि सिर्फ कैमरा, ये फ़ोन में फ़ोन भी होता है, बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं, तो ये जो ज़्यादातर जो 108 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल मार्केटिंग गेमिंग भी कहीं कहीं होता है, बट कुछ कुछ काम भी कर लेते हैं। अब ये सोनी या कोई दूसरे DSLR वगैरह की आप कैमरे की बात करें तो उनका लेंस की साइज़ भी अलग होती है, उनका पूरा काम उसी पे बेस्ड होता है, उनका पूरा ऑप्टिमाइजेशन पोस्ट प्रोसेसिंग उसी पे डिपेंड होता है, तो इसलिए उनके जैसे कि एप्पल वाले भी आजकल देखो क्या करते हैं, कैमरे पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो उनका पूरा प्रायोरिटी वही होता है। सैमसंग वाले भी देखो आप फ्लैगशिप फोन्स 12 मेगापिक्सल में भी काफ़ी सारा काम कर लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। 108 200 देने के बाद भी कभी कभी फोटोज़ ख़राब आते हैं, ये डिपेंड करता है कि ब्रांड इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करती है। JB संगमा जी बोल रहे हैं कि भाई आजकल 5G तो यूं ही चल रहा है, ब्रांड्स कुछ बोल नहीं रही है, और ये कब तक चलेगा, और ये जब ख़त्म होगा तो क्या हमें इसमें प्राइस देखने को मिलेगी ज़्यादा, और क्या डेटा भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 5G जो 4G से जल्दी एग्जॉस्ट होता है, ये मैंने पहले भी बोला था,
शायद मेरी बात पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, 5G जितनी ज़्यादा स्पीड आपको मिलती है उतना लोगों के अंदर लालच बढ़ता है, उतना जल्दी फाइल कंज्यूम मतलब डेटा कंज्यूम करते हैं, है ना, डाउनलोड पे डाउनलोड करते हैं, मज़ा आ रही है। तो अभी फिलहाल के लिए जो चल रहा है उसको चलने दो, जब तक कुछ नहीं हो रहा है बेटर हो, काय को ब्रांड को बोल के पैसे बढ़ा के उसको फिर और 5G के ऑफिशियल प्लान्स की वेट करना, चल रहा है तो एंजॉय करिए। लक्ष्य ने पूछा है सैमसंग S21 फाइनल एडिशन, वीवो V27 और मोटो H40 कैजुअल और जनरल यूज़ सजेस्ट वन। कैजुअल यूज़ और जनरल यूज़ के लिए मेरे हिसाब से तीनों फोन्स अपनी जगह पर अच्छे हैं। देखो वीवो के भी फैंस अलग है, आप इनसे कंपेयर नहीं कर सकते वीवो को, बट स्टिल वीवो के फैंस अलग है, उनका फ़ोन में थोड़े अलग फीचर्स होते हैं, कैमरा ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, बट डेफिनेटली इन तीनों में से मैं मोटोरोला H40 आपको रेकमेंड करता हूँ। स्लाइट प्राइस भी थोड़ी डिफरेंस है, और अगर आपको सैमसंग ब्रांड वैल्यू ज़्यादा भी चाहिए तो S21 फाइनलेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अंशु शेखर बोलते हैं कि आप अपडेट आने के कितने टाइम बाद अपडेट करते हैं। मेरे पास सैमसंग S22 अल्ट्रा है, अभी हाल ही में ही मुझे जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट आया, जैसे ही आता है मैं अपडेट कर देता हूँ, मुझे ट्रस्ट है इतना तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैं अपडेट करता ही आ रहा हूँ एक साल से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है S23 अल्ट्रा उनके आने के बाद भी। वरना कुछ ब्रांड्स ऐसा करती है कि नए फोन्स आने के टाइम पिछले वाले फोन्स में अपडेट से इश्यूज करते हैं, बट इसमें अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे किससे बहुत हुए थे पास्ट में, ब्रांड्स के ऊपर लफड़े झगड़े केस हुए थे, कार्रवाई हुई थी, तो ब्रांड ने ये सब करना बंद कर दिया। तो मेरे S22 अल्ट्रा में जैसे अपडेट आता है मैं अपडेट कर देता हूं, मैं रुकता नहीं। हर्षदीप सिंह बोलते हैं कि मेक वीडियो ऑन कस्टम रोम। कस्टम रोम का ज़माना मुझे लगता नहीं कि अभी इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ट्रेंड में एक ज़माने में बहुत हुआ करता था। आज से मैं अगर 6-7 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हर जगह पर साइनेजन ओएस ये वो इतना मैं मतलब खुद भी करता रहता था इन चीज़ों के अंदर, इनकी पूरी कम्युनिटी होती थी, ब्रांड्स फोन्स इनके साथ ही लॉन्च करती थी। आई थिंक माइक्रोमैक्स का भी एक फ़ोन था और एक और कंपनी थी जो साइनेजन ओएस के साथ में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें पहले बहुत होती थी, लेकिन अब इतना डिमांड नहीं है तो मैंने सोचा छोड़ो यार, लेकिन रहेगा तो कोशिश करें कि हो सकता है वीडियो बना दूँ। काशिफ बोलते हैं कि डिस्प्ले में ग्रीन टिंट इशू हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर या फिर चीप एमोलेड डिस्प्ले। नहीं, चीप एमोलेड डिस्प्ले नहीं, एमोलेड डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्लेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हार्डवेयर का भी इशू नहीं, ये सॉफ्टवेयर में जो अपडेट पुश करते हैं उसमें मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर वोल्टेज वगैरह का सीन है, इस हिसाब से यहाँ पर हो रहा है। तो मे बी ब्रांड्स को मैंने पहले भी ट्वीट करके बोला था, हमेशा बोला हूँ कि इसको फिक्स करना चाहिए, गलती ब्रांड की है ऑडियंस की नहीं है। कुछ भी इशू होगा आप उनको फ्री में ये काम करके दीजिए, चाहे वो वारंटी में हो या ना हो। जीवान ठाकुर बोलते हैं कि मोटोरोला चाइनीज ब्रांड है या अमेरिकन ब्रांड। देखिए मोटोरोला ओन्ड बाय लेनोवो, लेनोवो जो है वो उसके अंडर आता है मोटोरोला, लेनोवो जो है वो एक चाइनीज ब्रांड है, तो रूट्स वही है, बट ज़्यादातर मोटोरोला का काम जो है वो US में होता है, उनका जो फैक्ट्री वगैरह आई थिंक वो कैलिफोर्निया में, तो डिजाइंड बाय ऐसा लिख के आता है इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड वगैरह ऐसा करके, बट रूट्स जो है वो डेफिनेटली चाइनीज है। बेलारा जी इन्होंने ट्वीट किया है, बताओ पोको फोन ब्लास्ट हो गया। तो आजकल तो हो ही रहे सारे फोन्स, तो ज़रूरी नहीं कि पोको का ही फ़ोन ब्लास्ट होता हो, इस पर क्या टिप्पणियाँ थे। आजकल सिर्फ पोको ही नहीं, बहुत सारे फोन्स, कभी कभी सैमसंग हो जाता है, कभी रियलमी होता है, कभी रेडमी होता है, वीवो के भी कुछ हो जाते हैं, ओप्पो के भी हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर बहुत बार एक ही फ़ोन में कंटिन्यूस ब्लास्ट होते जाते जैसे कि OnePlus का एक नॉड आया था तो अलग बात है, लेकिन अभी ये हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, नथिंग। जी हाँ, इन्होंने पूछा है कि भाई स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा कौन सा लैपटॉप है। मैं आपको ऐसे तो रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे भी सोचना पड़ेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 1-2-3 लैपटॉप के लिंक्स छोड़ दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा, आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या उस हिसाब से आप उनको चूज कर सकते हैं। कृष कुमार बोलते हैं कि रिफर्बिश्ड फोन Redmi Note 10 Pro Max ले रहा हूँ, वो सही रहेगा और मुझे वही सब स्पेक्स चाहिए इसलिए बता दो। अगर आपको लगता है पैसे कम में आपको मिल रहा है, आपने चेक किया है, सब कुछ बढ़िया लगता है, तो डेफिनेटली, लेकिन मैं रिफर्बिश्ड फोन्स रेकमेंड नहीं करता हूँ, पहले भी नहीं किया तो अभी भी नहीं करूँगा। समीन खान बोलते हैं कि बजट 30-35,000 है, मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें गेमिंग भी अच्छी खासी हो और कैमरा भी टॉप। सैमसंग के फ़ोन्स ले लो, सैमसंग S20 फैन एडिशन, S21 फैन एडिशन, अगर आपको और भी तो आई थिंक OnePlus Nord 3 का वेट करिए, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन यहाँ पर आ सकता है, वो अच्छी चीज़ लेके आ सकता है, और iQOO Neo 7 Pro भी आ रहा है, तो इनमें से आप कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। सुजीत गोस्वामी बोलते हैं कि यू प्रेशराइज कंपनी टू इनेबल रे ट्रेसिंग MSA फॉर गेमिंग इन एन ऐप जस्ट लाइक NVIDIA। हाँ देखिए, रे ट्रेसिंग चिपसेट्स में सपोर्ट आ चुका है, आई थिंक स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या MediaTek की कुछ चिपसेट्स है जिनमें अभी हाल ही में रे ट्रेसिंग का सपोर्ट आया है, बट उसको गेमिंग के अंदर नहीं इनेबल किया जा रहा क्योंकि वो गेम वैसे नहीं है। तो ये चीज़ डेफिनेटली ब्रांड्स ही करेगी, जो चिपसेट मेकर है, जो गेम डेवलपर्स है, उनको मिलकर ही ये कुछ करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में हम स्मार्टफोन्स में भी रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। तो इसमें हम नहीं प्रेशराइज कर सकते, ये उनके चिपसेट पे, उनके ऑप्टिमाइजेशन पे, उनके बजट पे डिपेंड करता है। RCR जी बोल रहे हैं कि क्या YouTube वर्सेस इंस्टा होने वाला है जैसे YT वर्सेस TikTok हुआ। नहीं भाई देखो, वो तो एक अलग ही गेम था TikTok को नीचे लाने, तो वो जो उनकी कॉन्स्पिरेसी थी, जो भी पॉलिटिक्स हुआ वो कर दिए, हो गया। मुझे नहीं लगता है कि YouTube और इंस्टा के बीच में यहाँ पर कुछ होगा। इंस्टा भी अब बहुत ऊपर जा चुका है,
YouTube भी अपना कुछ और कर रहा है, तो दोनों ही अलग प्लेटफॉर्म है, क्या पता दोस्त भी हो। लेकिन TikTok का कुछ अलग ही गेम था भाई उस वक्त, तो बहुत कुछ हो गया था, तो मे बी वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा होने वाली है। विनोद जी बोलते हैं कि भाई मेरे को अंडर 15-20 के बीच में मोबाइल लेना है, कौन सा लेना चाहिए? 15-20 के बीच में भाई इतने फ़ोन से ना, तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आपको अंडर 20,000 और 15-20,000 के बीच में बढ़िया बढ़िया फ़ोन्स आपको बताऊँगा। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट बता देते तो आपको मैं बता ही देता था, तो फिर भी आप थोड़े दिन वेट करिए, वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। बिकी जी बोलते हैं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ क्यों नहीं रही है? ये मुझे भी नहीं पता, हम मेहनत तो वही कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, और पहले भी हमारे आज से 5 साल पहले बढ़ रहे थे बहुत स्पीड में, उसके बाद धीरे 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 हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े स्लो हो गए। डिपेंड करता है कि इसका एल्गोरिथम का भी खेल है, अब ये यूट्यूब का भी ऊपर डिपेंड करता है किसको आगे पुश करना हो, क्या करना हो, तो मैं इसमें भी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। बट एनीवेज हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं और उसमें मैं सोचता भी नहीं इतना, अगर मैं वो सोचने बैठा कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो मुझे सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, मैं वो देखता हूँ, और जो हम काम करते हैं, जो मुझे खुशी मिलती है, मैं वो देखता हूँ। बाकी ये तो चीज़ होती रहती है, हम ऐसा बोला जाए तो हम लंबी रेस के घोड़े हैं। हम एक टाइम पे 2015 में यूट्यूब में आए हैं, तब से लेके अब तक हमने हमारे जर्नी में बहुत सारे लोगों को ऊपर जाते भी देखा और नीचे जाते भी देखा, हम स्टेबल हैं। हम वैसे ही, मुझे लगता है कि कभी कभी वैसे भी मैं प्रेफर करता, वो भी सही है। इनोसेंट जी बोल रहे हैं कि लोग सब जब इतना पढ़ा लिखा होकर इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो वो लोग चंद पैसों के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय। देखिए बात ये ना कि यहाँ पर जब पैसा आ जाता है ना तो आदमी को लगता है कि और पैसे कमाएं, और जब पैसा आ जाता है तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो जाती है ना, दिमाग में आदमी के फेम भी चढ़ जाता है, तो उनको ऐसा कि चलो भाई कुछ और अच्छा करते हैं, उस चक्कर में फिर जो चीज़ बीच में आ जाती है ना उसको हटाने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ नेचर की बात नहीं होती है, लोगों के घर भी तोड़ जाते हैं। अगर कुछ डेवलप करना हो, हम मूवीज़ में देखते ना कि कोई माफिया वाफिया रहते या पॉलिटिक्स रहते, तो वो एक सोसाइटी होती है इनको तोड़ने के लिए, फिर एक मॉल बनाना होता है। तो ये सब कुछ तो यार दुनिया ऐसी ही चल रही है, अगर आप बोलोगे कि सब अच्छे हो जाए तो फिर हो ही गया सब कुछ। कुल टेकी बोलते हैं कि आप मीटअप करोगे या फिर मुझे आपके घर आना पड़ेगा सेल्फी लेने और मिलने? यार मैं सच में, मुझे पता नहीं मैं कितने बार आपको बोला रहेगा कि मीटअप करना है, बट नहीं हो पाता है। अब बारिश का सीज़न भी शुरू हो चुका, हो सकता है मैं एंड ऑफ द ईयर नवंबर दिसंबर में लेके आ जाऊँ, बट ये समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ। मुंबई में तो स्टार्ट करेंगे लेकिन उसके बाद कहाँ से शुरू करूँ, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मुझे लगेगा तो डेफिनेटली मैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है या मैं पोल रखूँगा उस हिसाब से मैं आपकी सिटी में ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर आसिफ ने बोला एंड्रॉइड 14 में बैटरी हेल्थ का ऑप्शन आएगा क्या? लीक्स आ रहे हैं, हाँ मैंने टेक न्यूज़ में भी दिया था, बैटरी हेल्थ का ऑप्शन जो आईफोन्स में ऑलरेडी है, अगर एंड्रॉइड 14 में आता है तो डेफिनेटली बैटरी परसेंटेज वगैरह तो देखते ही, लेकिन उसके साथ बैटरी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता चल जाएगी लॉन्ग टर्म तक हमारी बैटरी कितना साथ देगी तो अच्छी बात होगी। ताज तस्नीफ बोल रहे हैं कि भाई दूसरे चैनल में कब तक एक्टिव होने का इरादा है? हमारे दो चैनल, हमारे तीन चैनल है, एक तो टेक्नो रूएस जो ये चैनल है, एक और हमारा टीआर शॉर्ट्स वगैरह चलता है, और एक जो है हमारा रूएस अम्ब्रेला जो पर्सनल चैनल था जहाँ पर हम ब्लॉग्स वगैरह डालते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट पता नहीं अब समझ नहीं आ रहा कि उस पर मैं कौन सा कंटेंट डालूं। अभी व्लॉग्स वगैरह भी डालना हो तो क्या वहाँ डालूँ नहीं डालूँ, तो आप मुझे कमेंट में आइडिया दीजिए कि उस चैनल पर रुएज़ अमरेले वाला आप देख लो पहले स्क्रीन पर, ये लावारिस चैनल है पड़ा हुआ है, सब्सक्राइबर्स भी कुछ हमारे 1 लाख के ऊपर हो गए तो उसके बाद हमने काम नहीं किया, बट इस पर क्या डालना चाहिए कमेंट में ना आप मुझे ज़रूर बताना। दिलीप जी बोलते हैं कि सैमसंग ने अपने सी सीरीज़ और ई सीरीज़ को बंद क्यों किया? देखिए बंद तो किया लेकिन उन्होंने बाद में अपने दूसरे एम सीरीज़ और ये सीरीज़ वो सीरीज़ तो लेके आ गए ना उसके रिप्लेसमेंट में, तो इट डजेंट मैटर। सी सीरीज़ ई सीरीज़ वैसे भी सैमसंग के बहुत ठीक ठाक फ़ोन होते थे यार, मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता था, एटलीस्ट उन्होंने जो एम सीरीज़ वगैरह एफ सीरीज़ वगैरह लाया, वैसे दोनों सेम होते लेकिन स्टिल जो भी अभी कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक कर रहे हैं। अभिषेक जी ने बोला है कि भाईजान आजकल 20,000 के फ़ोन 30,000 में शिफ्ट हो गए, 20,000 में IPS डिस्प्ले मिल रहा है ज़्यादातर मोबाइल में। हाँ भाई आजकल चिपसेट्स जो है वो थोड़ी महंगी पड़ रही है ब्रांड्स को, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो कैमरे पे, इनोवेशन पे, चार्जिंग पर और चिपसेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है, इसलिए डिस्प्ले पे ध्यान नहीं दे पा रही, तो IPS दे देते हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए और उसकी प्राइस 20,000 हो जाती है। ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स लेना हो तो आज की तारीख में 30,000, महंगाई भी बढ़ रही है साथ साथ में उस हिसाब से ना, एक ज़माने में हमें 10,000 के फ़ोन्स मिलते थे उसमें सब कुछ मिल जाता था, आज वही चीज़ 20,000 में मिलती है। रियलमी नंबर सीरीज़, रेडमी नंबर सीरीज़ हमें 15,000 की रेंज में मिलते थे, आज 25,000 पे जा रही है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे वो सारे सवाल आपने जो मुझसे पूछा, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जवाब अच्छे लगे होंगे। आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं या फिर ट्विटर के ऊपर हम 15 तारीख के बाद हर महीने जो पोस्ट करते हैं उसके नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करिए, मोटिवेट करिए ताकि ये सीरीज़ हर महीने आते रहे और आपके सवालों के जवाब हम ऐसे ही देते रहे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।